de muncă. Am zis să chiar e ca tu cu franzețe. În termen de iepta aia ta, când ești trăit să hai, mare pat, mi-am zis trăfie de hau, meri tăi trăf tu hai, sare sare că hai, धनात्मक संख्याएं हैं और मेरी बाई तरफ क्या है सारी सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब ये जीरो के ऊपर खड़ा है। अब इस जीरो से अगर इस बाई तरफ ये मेरी बाई तरफ जाएगा तो ये आगे आगे चलता जाए, ये एक नंबर चला गया, उसके बाद ये दो नंबर पर, उसके बाद ये तीन नंबर पर। यानी अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बाई तरफ जाएगा तो धनात्मक संख्याएं बढ़ती जाएंगी, यानी ये जो संख्याएं हैं वो उसका क्रम जो है बढ़ता जाएगा। अगर ये वापिस जाना चाहिए इधर की तरफ, यानी मेरी बाई तरफ जब जाएगा तो ये संख्याएं घटती जाएगी आराम से आराम से। यानी माइनस तीन से दो पर, दो से फिर एक पर, एक से जीरो पर, जीरो से माइनस एक, माइनस टू, माइनस तीन। यानी जब संख्या रेखा को क्रम देखते हैं तो मेरी बाई तरफ जो है सारी सारी संख्याएं, अगर बाई तरफ चलेंगे तो संख्याएं घटती जाएंगी और दाई तरफ चलेंगे तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ मुझे कि माइनस छः और पाँच में कौन सा बड़ा है? माइनस छः और पाँच में बड़ा कौन सा है आप बताओ? जोर से बोलो बेटा। पाँच। क्यों? नंबर लाइन पे किधर है इसके इसका? यानी मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम इधर की तरफ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं तो ये धनात्मक रूप में ये बढ़ती जाएगी और माइनस में जब जाएंगे तो ये सारी सारी घटती जाएगी, इसलिए ये पाँच जो है माइनस से बड़ा है, ठीक है। जैसे ही जीरो से हमें इधर आएंगे ना तो वो मान बढ़ रहे हैं और जितना उधर जाएंगे उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो पाँच तो किधर है? पाँच तो इधर है और माइनस छः उस उधर बहुत दूर है, तो वो बहुत छोटा है माइनस छः पाँच से, ठीक है। ज़्यादा दूर है ना जीरो से उस तरफ, बाई दिशा में। दाई दिशा में दस है, पाँच से बड़ा है, एक पाँच से छोटा है क्योंकि इधर आ गया ना थोड़ा और। अगर और उधर जाएंगे तो एक किससे बड़ा है? एक माइनस एक से बड़ा है, एक दो से भी, माइनस दो से भी बड़ा है, क्यों? माइनस दो उधर है और एक इधर है, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर घटते और बढ़ते क्रम में, ये जो दूरी है ना ये दूरी देखते हैं। अब जैसे हमें पूछे कि एक और पाँच में कौन सा बड़ा है, अब ये जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से एक की दूरी कितनी हुई? एक इतनी हुई, और जीरो से लेकर के पाँच की दूरी कितनी हुई? ये यहाँ से जीरो से ये होगी, तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ? एक और पाँच में बड़ा कौन सा हुआ? पाँच। अब आप बताओ कि अब इसमें माइनस में है, जैसे माइनस में भी यही है कि दूरी घटती जाएगी। अब ये माइनस एक है ना, तो ये दूरी बड़ी है किससे? माइनस दो से। जो माइनस में तो करते हैं तो वो दूरी क्या हो जाती है? घटती जाती है, ठीक है। माइनस दो वाली दूरी कम है, माइनस तीन वाली उससे कम रहेगी, माइनस तीन उससे छोटा होगा, माइनस चार उससे छोटा होगा। अब आप ये बताओ कि सात और दो में कौन सा बड़ा है? सात बड़ा क्यों? जो ये दूरी है जीरो से लेकर के सात की दूरी है वो जीरो से दो की दूरी से ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ा, ठीक है। ठीक है।